सरकार की तरफ से आज एक बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है, जिसमें लॉकडाउन के बाद 3-3 लाख रुपए मिलेगा। जी हाँ, ये 3-3 लाख सरकार हर किसी को देगी, यानी आप भी ये 3 लाख रुपए सरकार से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये पूरी खबर और आप कैसे ये 3 लाख रुपए सरकार से ले सकते हैं। जी हाँ, ये पैसा लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसे हर व्यक्ति ले सकता है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप भी ये 3 लाख रुपए लॉकडाउन के बाद सरकार से ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से ये पूरी खबर क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोगों के रोजगार जा चुके हैं। आज देश की स्थिति ये है कि अगर देश में इस आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारा गया तो जितने लोगों की मृत्यु इस महामारी से नहीं हुई है, उससे ज्यादा लोग भुखमरी और बेरोजगारी से मर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि अगर घर घर रोजगार खोले जाएं, तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं, आज अनेक प्रदेशों से लोग अपने घर वापस हो रहे हैं, बड़े बड़े शहरों से लोगों को वापस उनके घर भेजा जा रहा है, सरकार भी इसमें उनकी मदद कर रही है। तो दोबारा से काम पर जाने की अभी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है, यानी दूसरे प्रदेशों से लोग अपने प्रदेशों में आ रहे हैं। इसी के बीच भारत सरकार के पास एक बड़ी खबर ये है, जैसे चाइना में अभी तक विदेशी कंपनियां जो बिजनेस करती थी, उनमें से 1000 विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, यानी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हैं और आगे आने वाले समय में भारत के अंदर ही बहुत सी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी जो अभी तक चाइना में होती थी। ऐसी 1000 कंपनियां भारत में आ रही हैं। अब ये कंपनियां बनाती क्या हैं? ये कंपनी बनाती है कैलकुलेटर, घड़ियां, मोबाइल फोन या फिर खेल खिलौने या फिर तमाम ऐसे आइटम जो कि चाइना से आते थे, स्मार्ट गैजेट्स। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि चाइना में ये सभी प्रोडक्ट, चाहे वो घड़ी हो, कैलकुलेटर हो या फिर खेलने के साधन हो या फिर छोटे मोटे स्मार्ट गैजेट्स हो, उन सभी को घर घर में बनाया जाता है। चाइना में घर घर के अंदर लोग ये सारी चीजें बनाते हैं और बनाकर उन कंपनियों को भेजते हैं और वो कंपनियां पैकिंग करने के बाद मार्केट में सेल करती हैं। तो वही काम अब हिंदुस्तान में शुरू होने वाला है, हमारे भारत में शुरू होने वाला है। तो ऐसे लोगों को भारत सरकार की तरफ से 3-3 लाख रुपए दिया जाएगा, जो अपने घर पर लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं, छोटा काम शुरू करना चाहते हैं। ये पैसा भारत सरकार के रोजगार मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा, जिसके हर डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में भी रोजगार कार्यालय है, जहां से ये पैसा आप ले सकते हैं। यहां पर एक परिवार को बिजनेस करने के लिए ये 3 लाख रुपए दिया जाएगा। भारत सरकार का अनुमान है, अगर घर घर में छोटे छोटे बिजनेस खुलवा दिए जाएं, तो फिर हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकती है और हर परिवार ये 3 लाख रुपए लगाकर महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की कमाई कर लेगा। इससे रोजगार संकट से मुक्ति मिल जाएगी, रोजगार हर व्यक्ति को मिल जाएगा और बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर बिजनेस खोले जाएंगे। जी हाँ, हर घर में ये छोटे बिजनेस होंगे, जिसमें 3 लाख रुपए जो आपको मिलेगा, उस 3 लाख रुपए से आपको इन बड़ी बड़ी कंपनियों से सामान खरीदना है, कच्चा माल खरीदना है और उसको अपने घर पर तैयार करना है। तैयार करने के बाद वो माल इन्हीं कंपनियों को आपको वापस देना है, जिसमें आपने जो मैन्युफैक्चरिंग की है, आपने जो असेंबलिंग की है, आपने जो सामान बनाया है, उसको बनाने का पैसा आपको मिल जाएगा। एक एवरेज के अनुसार सरकार मानती है कि हर व्यक्ति 1500 से 3000 रुपए तक का काम हर दिन कर सकता है। अगर एक व्यक्ति पूरी लगन से काम करता है
तो वो महीने में 30 से 50,000 रुपए तक इस बिजनेस से कमा लेगा। ये लोन भारत सरकार के द्वारा बिना किसी गारंटी के दिए जाएगी, यानी हर किसी को ये लोन मिल जाएगी, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड और आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं ये जानकारी भारत सरकार के रोजगार मंत्रालय को देनी है, जिसके लिए आपको रोजगार कार्यालय में जाना है। रोजगार कार्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और वहां पर आप बता सकते हैं कि आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस के लिए सरकार की तरफ से आपको 3,00,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। यही नहीं, जो लोग बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें इससे ज्यादा भी लोन मिल सकता है, यानी 10,00,000, 20,00,000 या फिर 1-2 करोड़ रुपए तक का भी लोन मिल सकता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 3,00,000 रुपए तक के लोन के लिए आपसे कोई गारंटी नहीं मांगी जाएगी और ये हर किसी व्यक्ति को मिल जाएगा जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता हो। तो आशा करते हैं भारत सरकार का ये फैसला आपको जरूर पसंद आया होगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये योजनाएं लागू की जाएंगी। अभी हाल फिलहाल में इन योजनाओं पर सरकार विचार विमर्श कर रही है और सरकार देख रही है कि कितनी विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस करने आने वाली हैं। अनुमान के अनुसार 1,000 से अधिक कंपनियां हैं जो चाइना को छोड़कर अब भारत के अंदर अपना बिजनेस शुरू करेंगी। जो चीजें अब तक हम चाइना से इम्पोर्ट करते थे, चाइना से मंगवाते थे, वो सारी चीजें अब भारत में ही बनेंगी। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।